हरे कृष्ण ओम अज्ञान निग्रंथस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन पुत्रे स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामे नमस्ते सरस्वतीदेवि गौरवाणीचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यस्तारौ श्रीकृष्णचैतन्यां प्रभुनित्यानन्दस्य अद्वैतगदाधर शिवासन्तो भक्तिं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। संस्कृत के शिक्षा माला में श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करते हैं और अभी हम कल वाला थोड़ा सा फास्ट रिविजन करेंगे। हमने अभी साथ साथ बोलिए तत्र तत्र यत्र यत्र तत्र 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 यत्र तत्र तत्र तहां यत्र तहां यहां पुत्र तहां पात्र अत्र यहां यहां। न नहीं कहें किम किम क्या क्या कह कह कौन कौन नहीं 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 नहीं। कुछ लोग पूछ रहे थे कह और किम में क्या संबंध है, अत्र कह संशय है। तो जब उसमें लिखा जा रहा है अत्र कह संशय है तो कह का मतलब इसमें कौन सा संदेह, कहने का मतलब है। नैव नैव नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं सदा सदा हमेशा हमेशा सदा कदा कब कब यदा यदा जब जब तदा तदा तब तब इदानीं 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 अब अब। देवः देवः देवं देवं देवे देवे देवाय देवाय देवात् देवात् देवस्य देवस्य देवे देवे हे देव हे देव। तो कल हमने देवात् तक देखा था। देवात् मतलब देव से कुछ चीज छूटा टूटा गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, है ना, एक पत्ता गिरा पिछात पत्रम पतति, ठीक है। हमने यहां तक देखा था, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देवस्य देवस्य जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ओम जन्म मृतस्य च ओम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहा हरियार्थे तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि जातस्य जातस्य मृतस्य मृतस्य संवत्ति लग गया छठी मतलब षष्ठी छठी नहीं षष्ठी छठी भी वही और षष्ठी भी वही। देव के साथ जैसे देव का कोई संबंध है। जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो जब जन्म मरण निश्चित है तो लगा उठा के 47 तड़तड़ा पूरा आतंकवादी फिलोसफी। इसलिए क्या कह रहे हैं, जब जन्म लेने वाला मरवे करेगा, मरने वाला जन्मवे करेगा, तो तू काहे ने तीर चला रहा है, ले तीर अत्ते तना दे, चाहे दादा हो चाहे गुरु हो चाहे साला हो चाहे ससुर हो, सब है असुर। अब हम देखेंगे देवे देखेंगे, है ना। देवे है सप्तमी, सप्तमी का मतलब है आश्रय, यहाँ आश्रय ले रहा है कुछ। ये पेन है, ये मेरे ऊपर है, इसका आश्रय कौन हो गए, हम, ठीक है ना, हो गया ना आश्रय, हाथ पे आश्रय ले लिया, है ना। तो हिंदी बोलेंगे हाथे कौला माचे, बंगला बोलिए हाथे कौला माचे, हाथे बंगला है ना, सप्तमी में लग गया, सप्तमी में होती बंगला में, है ना। काने कौला माचे, काने नहीं आता, बड़ा डिफिकल्ट है, मोटा कलर है,
काने कोलो माच, अब तो आई जाए बंगला है ना, और संस्कृत एक ही जैसे चल रहा है। वैसे देवे, देवे मतलब देव में, राम में मतलब राम में, राम में, राम में, राम के ऊपर, राम के अंदर, राम में आश्रय ले चुका है, ठीक है ना। मूर्खे मतलब मूर्ख में आश्रय ले लिया है ना। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र में, ठीक है ना। तो सप्तमी विभक्ति का श्लोक देखते हैं। विद्याभिनय संपन्ने, विद्याभिनय संपन्ने, ब्राह्मणे कवि हस्तिने, ब्राह्मणे कवि हस्तिने, सुनीचैव स्वपाके च, सुनीचैव स्वपाके च, पण्डिता समदर्शिनः, पण्डिता समदर्शिनः, संपन्ने ब्राह्मणे हरि हरि। आपको श्लोक लिखना पड़ेगा, अच्छीसना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। ये आपको नोट्स आया है शायद, सब नोट्स हमने भेजा हुआ है, भेजा है ना, ये नोट्स आया हुआ है। आप खाली सप्तमी विभक्ति लिख के इसका नंबर लिख लीजिए। कौन सा नंबर है विद्या विनय संपन्न? 5.5 5.18 5.18 है, बस 5.18 लिखे। इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, ये सप्तमी है, ये सप्तमी है, और कहाँ है सप्तमी, यहाँ सप्तमी है ना, लेकिन और भी है सप्तमी। हमने अकारांत देखा है ना अभी तक, देव शब्द का रूप देख रहे हैं ना, अ अ जिसका अंत अ से होता है। देव में क्या जुड़ा हुआ है देखिए, व में अ है, देव के व के अंदर अ जुड़ा हुआ है ना, तो अ सबसे अंत हो रहा है इसका, है ना। लेकिन यहाँ पे अन्य भी बहुत अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। ये गाय का जो सप्तमी है गवी होता है, बैल का, बैल को सप्तमी भक्ति में गवी कहेंगे, सप्तमी भक्ति समझे, जब उसका सिखाएंगे तो वहां दिखाएंगे। और हाथी का हस्तिन होता है, हस्तिन मंत्री, जिसे मंत्री होता है ना, तो उसका उसका शब्द है मंत्री, न से ई न इन से अंत होता है, और हस्तिन इन से, तो हस्तिन का हस्तिनी जो है ये भी एक्चुअली सप्तमी भक्ति का ही रूप है, ठीक है। और सुनी मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता स्वन होता है, स्वन सब में, तो उसका सप्तमी भी सुनी दिखाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे रूप, लेकिन है ये सब सप्तमी समझे। सवपाके मतलब स्व मतलब होता है कुत्ता, और पाक मतलब होता है बना बनाना, कुत्ता पकाने वाला मतलब चंडा चाइनीज, हाँ। तो सवपाके जी पे, तो सवपाके, तो सवपाके च, तो ये सब सप्तमी भक्ति लग रहा है, सभी लिख रहा है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या बनेगा, विद्या विनय से संपन्न, ठीक है, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ता खाने वाला, ये सब को पंडिता, पंडिता मतलब बहुवचन, रामो रामा रामा, बहुत सारे पंडित, पंडित तो कैसे देखेंगे इसको, समदर्शी होगी, सबको बराबर के रूप में देखेंगे। जिनपिंग हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी, ब्राह्मण कैसे देखे, पंडित, पंडित कैसे देखेगा सबको, सबको बराबर, हरे कृष्ण, ये तो कह रहा है, समझ आए, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ममका पांडवा शैव इति पूर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कौन सा विभक्ति लग गया, सप्तमी, कुरुक्षेत्रे सप्तमी है ना, लग गया ना, अच्छा। अब देखिए अष्टमी विभक्ति देखते हैं, अष्ट है ना, सप्तमी हो गया, समझ में आ गया, ए ए लगेगा। 90% शब्द आपके असहमत होते हैं, तो वो 90% का तो हमने देख लिया, जो यूज में हमारे, अब संस्कृत में पता नहीं किसी ने नाप के तो देखा नहीं, मैं एक अंदाज से आपको फेंक रहा हूँ, जैसे मैं फेंका है कि एक 90% शब्द जो है, मतलब मोटा मोटी ज्यादातर शब्द का जो है आप समझ चुके हैं। अष्टमी विभक्ति में लगेगा हे कृष्ण, हे राम, हे देव, अंग्रेजी में बोलेंगे ओ राम, ओ गॉड, ओ देव, है ना, ओ मूर्ख, तो ये ओ लगेगा। तो यहाँ पे अष्टमी विभक्ति का देखिए, चंचला ही मन कृष्ण धर्माधी बलवद्रम तस्याम निग्रह मन्ने वायु युव सुदुष्करम। अब आप थोड़ा सा नीचे देखिए कि सब अष्टमी विभक्ति में ये देव जो है ना, इसमें पहली प्रथमा देखिए, प्रथमा देवा है, देवा, अष्टमी में देखिए देवा का खाली ये गायब है, पॉइंट गायब है, याद आ रहा है, दिख रहा है आपको, हे देव है,
लेकिन जब यूज होगा ना तो हे हट जाता है अधिकतर समय, खाली देव यूज होगा, खाली देव लगा हुआ है तो आपको समझना होगा कि शायद ये अष्टमी है। खाली देव लिखा हुआ है तो दो बातें हो सकती है, देव है या देव का विसर्ग जो है पहला देव का वो आगे वाले के चलते गायब हुआ, ठीक है ना। अब उसको आपको यूज में समझना पड़ेगा, सो यूज में देखिए कैसे समझना होगा, कैसे समझना होगा उसमें। चंचल है मन कृष्ण, तो कृष्ण जो है यहाँ प्रथम है कि अष्टमी है, समझ में आया। हे कृष्ण ये मन चंचल है, ये नहीं कह रहा है चंचल ही मन संबोधन है, अष्टमी लग गया है, ठीक है। परमाती है, बलवत बलवत है, दृढ़म है, तस्या अहम निग्रहम, निग्रह कौन सा विभक्ति है, मन्य वायव सुदृश्य। ये कृष्ण कहाँ लग गया, कौन से हिसाब से, अष्टमी। अच्छा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से इसका दूसरा लाइन क्या है, मामका पांडवा से किम कुर्वत संजय, कौन कह रहा है इसको, किसको कह रहा है, संजय। अब उसमें संजय शब्द आया, मतलब संजय कौन से विभक्ति हुआ, हे संजय धर्म क्षेत्र में कुरु क्षेत्र में मेरे बच्चे मेरे भाई के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, खिचड़ी बना रहे कि नहीं, उसमें मिठाई मिठाई बटेगा। अरे जब दो चोर साथ में आए तो क्या बात करेंगे, चोरी करने का, रामायण पढ़ेंगे, दो चोर आके रामायण पढ़ेंगे कभी। एक बार दो चोर जा रहे और एक राम कथा चल रहा, तो एक चोर पूछता है हाय का हुआ हो, ये क्या चल रहा है, दूसरा चोर अरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं चल रहा है, बोलता है कहाँ चल रहा है, ये रामायण, एक रामायण कहाँ है सुने वो फ्लैट, एक वो था राम एक वो था रमवा भोजपुर, एक वो था रमवा एक वो था रवनवा, एक वो था रमवा एक वो था रवनवा, एक ने एक की नार चुराई और एक ने एक की वंश डुबाई, बात था इतनवा वो तुलसी बमनवा लिख दिया पोथन। तो दो चोर आए तो रामायण की बात करेंगे, उनको रामायण से पहले लेना है, इसको कहते हैं तर्क शास्त्र। दो चोर जाके साथ में खड़े हैं दूर में तो क्या बात करते होंगे, चोरी कर, ठीक है ना। रात के समय 12 बजे दो चोर खेत के बीच में खड़े हैं, क्या बात कर रहे होंगे, खेती कैसे करें, हो सकता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, तो धृतराष्ट्र का सवाल ही गलत है कि क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे उसके बच्चे मिलके लड़ाई के मैदान में क्या कर रहे हैं, खिचड़ी बना रहे होंगे, संजय बोला खिचड़ी बना रहे हैं, बस बनने वाली खिचड़ी आपको भी आएगी, इसका अगली प्लेट आपको मिलने वाली। हाँ प्रसंग शिक्षिका, ये मूर्खा संति ते उत्तिष्ठन्ति, जो मूर्ख है उड़ जाओ, एक का बाला उत्तिष्ठन्ति, क्या हुआ, एक लड़का उड़ गया, उड़ गया। शिक्षिका भगवान मूर्ख, मूर्ख आप मूर्ख हैं। बाला नन महोदय अहम तो भवत्या शिष्य अस्मि, मैं तो आपका शिष्य, अतः एव भवत्या सह अहम अपि उत्तिष्ठन् अस्मि। भवत्या मतलब मदद, अतः एव भवत्या आपके साथ अहम अपि मैं भी उठ गया, हां हो गया आपको वेलनेस कर लिया टीचर अपने आप को मूर्ख कह रही है तो हम कैसे बैठ सकते हैं, ये सोच के खड़ा हो। यो ध्रुवानि परित्यज्य, यो ध्रुवानि परित्यज्य, अध्रुवानि निषेवते, अध्रुवानि निषेवते, ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति, ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवानि नष्टमेव हि, अध्रुवानि नष्टमेव हि, यो ध्रुवानि परित्यज्य, यो ध्रुवानि परित्यज्य, अध्रुवानि निषेवते, अध्रुवानि निषेवते, ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति, ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवानि नष्टमेव हि, अध्रुवानि नष्टमेव हि, यो ध्रुवानि परित्यज्य, यो ध्रुवानि परित्यज्य, अध्रुवानि निषेवते, अध्रुवानि निषेवते, ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति, ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवानि नष्टमेव हि, अध्रुवानि नष्टमेव हि। ध्रुवानि का मतलब है ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या होता है, ध्रुव का मतलब क्या है, रात्रि क्या दिखता है आकाश में, ध्रुव, ध्रुव तारा दिखता है। ध्रुव तारा का नाम किस लिए लिया जाता है, किस लिए ध्रुव तारा फेमस है, किस चीज के फेमस है ध्रुव तारा,
ध्रुव तारा किस चीज के लिए फेमस है? दिशा, दिशा के लिए। इसका मतलब ध्रुव तारा अपनी जगह से बदलता नहीं, मतलब ध्रुव तारा वहां मिलेगा ये निश्चित बात है कि नहीं? तो ध्रुवानी का मतलब है जो चीज निश्चित है, ध्रुव का मतलब जो चीज निश्चित है, ध्रुवानी जो ध्रुव चीज को परित्यज्य, त्याज्य मतलब त्यागना, परित्यज्य मतलब जो छोड़ दे, है ना, परित्यज्य। अध्रुवानी का मतलब है जो ध्रुव नहीं है, निश्चेवते। अगर कोई भी शब्द का आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा किसी भी भाषा में, उसको बोलो, वो बोलने से जिस शब्द के आसपास का आवाज निकल रहा है उसके आसपास का मीनिंग है, एक कॉमन है, 90% जगह ही लगेगा, 10% जगह एकदम उल्टा मीनिंग भी निकलेगा, लेकिन 90% में आपको कितना चीज समझ में आ रहा है आप समझ रहे लेकिन हो सकता है 10% में बहुत बड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन आपको एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग होता है। निश्चेवते, जो सेवन करे, है ना, जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित को सेवन करेगा, मतलब पकड़े, जो निश्चित को छोड़े अनिश्चित को हाथ में ले ले। ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति, मतलब क्या हुआ, निश्चित तो नष्ट हुई है, क्योंकि क्या किया उसने, छोड़ दिया। अध्रुवानी नष्टम एव, एव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, है ना, ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल, डबल बिल्कुल, बिल्कुल ही बिल्कुल उसका नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हरे अब आज के लेसन में आ गया, ये कल का था जो पार्ट हम कवर नहीं कर पाए, अभी आज का पार्ट। अकारांत शब्द हमने देव लिखा है क्योंकि देव को हमने तोड़ा है, देव और व, ठीक है, दे को बाद में तोड़ेंगे, तो व को अगर तोड़ना है प्लस ठीक है, मतलब ये देव, ठीक है। अब ये अकारांत शब्द देखिए क्या क्या है, ये विसर्ग जो लगा उसको मत पकड़ी, विसर्ग जो है प्रथमा में लगा हुआ है ना, भूपा, भूपम हो जाएगा, द्वितीय होगा तो भूपम हो जाएगा, विसर्ग निकल जाएगा, तो एक्चुअल शब्द भूप है, है ना, है ना, तो भूप जो है क्या है, अकारांत है कि नहीं, अकारांत है, ये अकारांत हो रहा है ना, इसमें अ है ना, सिखवा देखिए, इस अ जिससे अंत हो रहा है शब्द, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है अंत किससे हुआ, अंत भला तो अंत ही महत्वपूर्ण है, अंत ही महंत है, बोलिए अंत ही महंत है, महंत मतलब जो बड़े हैं, जो मालिक हैं, तो अंत में जो है वही महंत है, ठीक है ना, तो भूपा मतलब राजा। अब आप लोग को लिखना है, लिखिए, भूपः शब्दः वर्णः, वर्णः लिखना है ना, पढ़ना है, कुछ लोगों का लिख लिया, नर मनुष्य, जन मनुष्य, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, सबके एक ही मतलब है, शब्द शब्द, वर्ण रंग, कृष्ण काला, और कृष्ण भी है कृष्ण, रक्त लाल, लिखे चलिए हो गया, जो नहीं लिख सके वो मेरे नोट से फिर से देख लीजिएगा, लेकिन ये है, अगर आप लिख लिए तो लिख लिए, थोड़ा स्पीड से हाथ को नीचे पकड़िए पेन को, हाँ तब आप जल्दी लिख सकोगे।
बड़े आगे सॉरी कैसे प्लीज कंदुक लिखिए गेंद हस्त हाथ कर फिर हाथ पाद पांव गल गाल स्कंद कंधा दंत दांत ओष्ट होंठ केश केस कर्ण कान मोदक लड्डू आवाज बेटर कंदुक लिख लिए जल्दी जल्दी आपके पास 18 सेकंड है लिखने के हरे कृष्णा हरे हस्त से हस्ती कैसे बन जाता है हस्त हस्ती से हाथ है और वो एक हस्ती जो हाथी कैसे बन जाता है वो हस्ती में है हस्ती उसका प्रथमा में हस्ती होता है मंत्री से मंत्री होता है वो इन का नाम है और ये जो है अकराम है अंत में ही महान छिपा आपके पास आखिरी के 4 सेकंड है छापा चलो भैया आप नोट्स देखिए आपने नोट्स लिखा हुआ है राजा वदति राजा बोलता है ना पठति मनुष्य पढ़ता है नर गच्छति मनुष्य जाता है अब इसका मीनिंग बता दो हे पुरुष तुम तत्व गच्छति क्यों तुम कहां जाते हो अरे हे पुरुष कौन सा विभक्ति लग रहा है अष्टमी संबोधन है ना हे पुरुष इसको नीचे लिखो ये लाइन लिखिए आपको ठीक है हे पुरुष नीचे फास्ट पेन को आगे पकड़िए स्पीड धीरे पेन को आगे पकड़ो स्पीड स्पीड बढ़ा कर इसका मीनिंग लिखिए हे पुरुष हो गया हे पुरुष त्वम का मतलब हुआ तुम तत्र का मतलब हुआ कहां यहां वहां जहां तहां तो से क्या होगा वहां तहां मतलब वहां है ना अरे तहां नहीं बोलते हैं अरे कहां तहां कहां जा रहे हैं बोलते हैं कभी वहां को तहां भी बोल देते हैं ना बोलते बोलते लोग बोलते हैं ना अरे यहाँ आओ वहां कहा वहां नहीं कहां बोलते कहां है कहां थोड़ी है कहां गेल ली कोठा कहां गेल ली जहां तहां नहीं जाएंगे जहां तहां ना जाएंगे वाह ये तहां है जहां तहां मत जाओ है ना तहां से क्या हुआ तत्र तत्र मतलब एक्चुअली वहां हिंदी में हुआ वहां लेकिन कहां से आप समझिए कोठा या बंगला में भी तहां ही हो तुम तहां जाते हो क्या क्या तुम वहां जाते हो क्या निकला ना मैंने अनुवाद कर लिया बापू हे नर तुम ओष्ठस्य वर्णम पश्यसि किम बस आप लोग क्या करिए अनुवाद लिखिए ये आपके इसमें आएगा यह लिखने का जरूरत नहीं आपको हाँ ये लिखने का अनुवाद हाँ बस अनुवाद लिखिए क्योंकि वो आपको आ जाएगा टेक्स्ट में आ जाएगा है ना हे नर हे आदमी हे मनुष्य हे आदमी नहीं
आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, और से नहीं रहता। हे नर, तुम औषस्य, तुम्हारे ओठों का है ना, फोटो का वर्ण मतलब वर्णम, तुम ओठो का, तुम जो है अनुवाद करो ना, तुमको तुम लिखो, औषस्य का ओठो का लिखो, विभक्ति याद है, औषस्य कौन सा विभक्ति, षष्ठी, संबंध है षष्ठी, संबंध लगा, तो ओठो का लिखो इसके नीचे, ओठो का, वर्ण का मतलब रंग, पससी का मतलब देखते हो, किन का मतलब क्या, अब जोड़ दो, गणित है पूरा गणित, देखते हो क्यों, देखते हो क्या, हे मनुष्य तुम ओठो का रंग देखते हो क्या, अब किसके ओठो का रंग थोड़ी यहाँ समझ में आ रहा है, अब हो सकता है कहीं बीच से निकाला हो कोई एक लाइन हो, हमको तो बस लाइन समझना है कि कहें, अनुवाद करना सीखना है, एक आदमी को ओठो का, कभी कभी दो ओठों को भी एक ही ओठ बोलेंगे, कभी कभी दो ओठों को दो ओठ भी बोल सकते हैं, लिखने वाले के ऊपर है, कभी कभी नाक को नाक बोलते हैं और नाक को नासिका बोले तो दो हो जाता है ना। भूपस्य हस्तः मतलब क्या हुआ, राजा का ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, भूपस्य हस्तः, स शब्द मदति, अनुवाद लिखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सर का मतलब लिखना है, हाँ। यहाँ पे सर के साथ जो विसर्ग है गायब हो गया है, संधि के कोई नियम से, हम नियम के पीछे कहीं जाने वाले नहीं है, समझ लो कि आपको मोटा मोटी कोई भी चीज का अनुवाद करना है, स का मतलब वह, शब्दम का मतलब सब, वदति का मतलब बोलना, तो क्या हुआ, वह शब्द बोलता, ठीक है, वह शब्द बोलता है, हो गया ना, मनुष्य संधे केशः, मनुष्य से कौन सा विभक्ति हुआ, षष्ठी, मनुष्य का, ठीक है, का के की भी चल रहा है, ठीक है, का लग गया मतलब के भी लग जाएगा, की भी लग जाएगा, ठीक है, मनुष्य के, स्कंधे कौन सा विभक्ति, स्कंधे हो गया आपका, स्कंधक, स्कंध मतलब स्कंधे, स्कंध मतलब कंधा, स्कंधे मतलब मम कंधे पेनः, मेरे कंधे पे पेन है, मम कंधे न केशः, किम मम कंधे अपि केशः, किम मम कंधे अपि केशः अस्ति, नास्ति, मम कंधे मम सरे अपि नास्ति, कंधे कंधे किम वालमस्ति, समझ रहे, समझ में आ रहा है आप लोगों, मनुष्यस्य स्कंधे केशः, स्कंध के ऊपर केश है, केश उस पे ऐसा रखा हुआ है, उस केस उसके कंधे पे आ गए बोलने वाले, समझ में आ रहा है, कृष्ण से वर्ण कृष्ण, कृष्ण का रंग काला है, कृष्ण का रंग काला, कृष्ण का रंग काले, नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला है ना, कौन काला है, कृष्ण काला, राम से गल्ला हरित, राम का गला, हाँ राम के गाल हरे हैं, आप बोलेंगे हरे कि लाल है, नहीं हरे, दुर्वा घास के जैसे हरे, अहम तस्य नरस्य पादम पश्यामि, अनुवाद लिखते हैं, मैं लिखे लिखे इसके नीचे लिखते जाइए, आप लोग करिए, तस्य कैसे हुआ, तस्य खाली भावना चल रहा है, ये त्वम से बना हुआ, त्वम का षष्ठी है, त्वम जो होता है ना, त्वम त्वम त्वया त्वई उसी का तक तस्य, वही तस्य उसी का षष्ठी है, षष्ठी स अगर लगा हुआ है ना, यह तो समझ लेना कि षष्ठी लग गया, और त लगा हुआ मतलब मोटा मोटी समझ लो कि तुम से ही त हुआ है, नरस्य पादम पश्यामि, ये वाक्य आपको आना चाहिए, वहां के मनुष्य का पैर देखता हूँ, मैं उसके तेरे तस्य उसका नहीं नहीं हम तस्य नरस्य पादम पश्यामि, हाँ मैं उस पुरुष के पैर को देखता हूँ, ठीक है, तेरे पुरुष का पैर देखता हूँ, इसको भेज दो, इसको कर डिस्कस करेंगे, एक एक आगे का चीज पहले आ गया,
इसलिए दिक्कत हो रहा है। अरे इसको छोड़ देना, बोल रहा हूँ तब से जब हम सिखाएंगे ना तो वहां से वर्ड हम दिए नहीं वो पहले, ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक एरर है, एजुकेशन का साइंस का एरर हो गया, वो वर्ड हमने सिखाया नहीं, वो वर्ड यहाँ, ठीक है, अगले जब ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे ना तो ये वाले एग्जांपल यहाँ से निकलते हैं। एक और टेस्ट आ गया, कंदुक तस्य करे कंदुक रक्तः, उसके हाथ का गेंद जो है लाल, रामस्य दंतः श्वेतः, राम का दांत सफेद, सोमस्य कर्ण रक्तः, सोम का कर्ण लाल है, ऊपर मोदकम खादति, राजा लड्डू खा रहा है, उल्टा मत करिए, राजा का हाथ, मुझे कोई भरोसा नहीं है आप बाद जाके लिखेगा, मुझे अभी भरोसा है कि अभी लिखना है, राजा का हाथ अनुवाद लिखिए, उपस से हस्ता, हाँ बढ़िया, उपस से हस्ता, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, उपस से करा, करा भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, निरुपस से करा वो भी हो सकता है, निपस से करा भी हो सकता है, और क्या है, नहीं राजस से नहीं होगा, तो राजा का अलग जैसे रूप चलता है, राज्ञा होगा, ठीक है, ठीक है, राज्ञा तृतीय है, ठीक है, तो ये छोड़िए, वो राज्ञा और राजा सब हमने सिखाया नहीं, करता है मनुष्य का शब्द, नरस्य शब्द, नरस्य शब्द, सोम का वर्ण, सोमस्य का, सोम का वर्ण, समस्या वर्ण, लिखिए लिखिए लिखिए, पेन चिसिए, चिस तरह ये पेन, समस्या वर्ण वर्ण, वह मनुष्य वहां नहीं जाता है, स नर तत्र नरणा गच्छति, ठीक है, और भी तरीके से हो सकता है, स नर न गच्छति, और भी हो सकता है, ठीक है, एक्चुअली संस्कृत में अगर गच्छति पहले लिखेंगे तो भी अच्छा मानता है, गच्छति तत्र सह मनुष्य, ऐसा भी अच्छा लगता है, मूर्ख यहाँ क्यों नहीं आता, कृष्ण वहाँ हमेशा नहीं जाता, कृष्ण चक्र सदा न गच्छति, गच्छति गच्छति कृष्ण वहाँ हमेशा नहीं जाता है, रामचंद्र का पांव, रामस्य पांव, रामचंद्र रामस्य पादः, रामस्य पादः, पादः, रामस्य पादः, रामचंद्रस्य पादः, राजा का दांत, निपस्य दंतः, निपस्य दंतः, राजा वहां खाता है, राजा का, लिखिए लिखिए आप लोग गड़बड़ा जाए, राजा वहां खाता है, लिखिए एक एक शब्द का मत करिए, पहले निर्भर से कहा होगा, निर्भर से कहा, राजा वहां खाता है, राजा का क्या बनेगा, राजा मतलब यहाँ प्रथमा है, निर्वाह वहाँ मतलब खाता है, निर्वाह तत्र खादति, निर्वाह तत्र खादति, मैं यहाँ खा रहा हूँ, लिखिए 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 आप लोग लिखिए, चिस्ते रहिए, आप खराब राइटिंग से लिखिए मगर लिखिए, चलो एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लास चल रहा था और एक इंग्लिश के प्रोफेसर बहुत तेज बोल रहे, बहुत तेज, तो किसी ने उठ के बोला प्लीज स्टॉप योर कालका एक्सप्रेस, आपके कालका एक्सप्रेस को रोकिए, कालका बहुत फास्ट चलती थी, तो टीचर ने बोला कालका डजन स्टॉप फॉर लोकल स्टेशन, कालका जो है लोकल स्टेशन को रुकती नहीं है।
अगर तुमको फास्ट लग रहा है इसलिए मैंने स्टोरी बताया। राजा मां खाता हो गया, मैं यहाँ खाता हूँ, अहम आता खाता लिखे अहम अत्र अत्र खादामी। राजा मनुष्य को देखता है, नेपाल नरम पश्यति, नेपाल नरम पश्यति, नरस्य नहीं द्वितीया द्वितीया नरम नरम मनुष्य को जो है ना जोड़ दीजिए तो बनेगा द्वितीय अंग। हाँ द्वितीय यस। मुझको मुझको राम राम को करता ने कर्म को करता कर्म को पेशी को मनुष्य को पेशी को मैं लग गया द्वितीय अंग। राम 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 पेशी को पीता हूँ नरम को वो जो है ना कंपनी वाला तो शॉर्ट फॉर्म में को द्वितीय विभक्ति का तो निपह नरम नरम पश्यति मनुष्यम नरम नरस्य क्यों नहीं संबंध थोड़ी है मनुष्य को तो को जो है संबंध में भी लगता है और द्वितीय में भी लगता है मनुष्य संबंध क्या दिख रहा है तुमको देखना पड़ेगा लाइन में कि संबंध वाला का के की है कि ये द्वितीय वाला का के की कर्म है कर्म कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को कर्म से मैंने पेन से उसके हाथ में कुछ दिया तो पेन क्या हो गया कर्म ठीक है ना। अब पूछना क्या हुआ पूछना क्रिया द्वितीय हो गया द्वितीय अब पेन हो गया तृतीय ठीक है ना। अब पेन अगर मुझे कोई दिया तुम दिया पूछने के लिए तो तुम जो दिया चतुर्थी अब पेन गिर गया मेरे हाथ से पंचमी ठीक है ना। अब पेन मैंने अपने भाई को दिया संबंध लग गया संबंध उसमें मनुष्य से हाँ तो संबंध कहीं दिखने रहा ना ठीक है ना। किसी संबंध ये मनुष्य को देखता है तो मनुष्य को देखना संबंध में नहीं आ रहा है ये किसमें आ रहा है द्वितीय में आ रहा है क्लियर है ना द्वितीय में आ रहा है। तुमने मुझको देखा मैंने तुमको देखा ऐसे यही वाला है मनुष्य को राजा ने मनुष्य को देखा संबंध आ रहा है कहीं इसमें नहीं अब लिखिए इतना ध्यान दीजिए ये अब लिख लीजिए अस्ति वह है ठीक है असि तू है अस्मि मैं हूँ लिखिए क्या होगा मैं हूँ जल्दी लिखिए असि आपके पास कुल 20 सेकंड है पंजाबी में असी मतलब हम हाँ हाँ असी हाँ तो कितने असी पंजाबी में बोल रहे असी मतलब हम होता है यही मीनिंग है यही मीनिंग है ना असी का मतलब हाँ असी मतलब असी होता है कि नहीं नहीं असी मतलब है एग्जिस्ट करता है तू एग्जिस्ट करता है तू कितने असी असी तू कहाँ है ये मीनिंग है ना अस्मि मतलब मैं हूँ भवति मतलब होता है वह होता है भवति मतलब तू होता है भवामि मतलब मैं होता हूँ ठीक है आगच्छति मतलब वह आता है आगच्छसि मतलब तू आता है आगच्छामि मतलब मैं आता हूँ पतति मतलब वह गिरता है पतसि मतलब तू गिरता है पतामि मतलब मैं गिरता हूँ बहुत फास्ट एक शब्द लिखने के लिए आपको 1.5 से 2 सेकंड लगना चाहिए तब आप मेरे से फास्ट हो। भवामी का मतलब आपको लिखना है भवति मतलब वह होता है भवसी मतलब भी होता है ठीक है तो भवामी मतलब क्या होगा मैं होता हूँ मैं होता हूँ आमी लग गया देखो इसमें भवामी में क्या लगा हुआ है क्या छिपा आमी छिपा हुआ है ना आमी बोल छी जे आपने सुने छी कि ना सुने छी आमी मतलब मैं बंगला में आमी मतलब मैं होता है ना लिख लिए
ये लिख लिए, ध्यान रखिएगा अस्ति मतलब है, भवति मतलब होता है, अगच्छति गच्छति मतलब आता है, अगच्छति मतलब पतति मतलब गिरता है। बढ़े आगे, पतसी मतलब गिर जाता, पतसी मतलब तू गिरता है, सी लग गया ना, और मी लग गया तो कौन गिरेगा, मैं गिरता हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया से, कोई हड़बड़ नहीं है, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही। ये मैंने लिखने के बाद बोला। लिखने के पहले ट्रेन छूट रही। हो गया ये जी प्रभु, आगे बढ़े। अब आपको अनुवाद कर दें, सत तत्र नास्ति बोलिए, वहां नहीं है, वहां नहीं है। ठीक है, अहम अत्र अस्मि, मैं यहां हूं, लिखिए उसको, अनुवाद करके लिखिए, बस लिखिए, देखिए कितना जल्दी आ जाएगा। हर जगह आप जहां जहां बोलेंगे वहां वहां लिखते रहिए। अहम अत्र अस्मि, इस खाली इसका लिखिएगा, आगे का मत लिखिए, जितना बोले वहीं तक इसी लाइन का लिखिए। अहम अत्र अस्मि, अहम अत्र अस्मि, अहम मैं, अत्र मतलब यहाँ, अस्मि मतलब हूँ। चलिए आगे बढ़िए। मनुष्य भूप भवति, मनुष्य राजा होता है, मनुष्य राजा होता है। ये तो हुआ एकदम लिटरल मीनिंग, सबका सबका मीनिंग लग गया, ऐसा मीनिंग कभी बनता नहीं। मनुष्य इसको कैसे बोलेंगे, बोलना है तो ये मनुष्य राजा है, ये मनुष्य राजा, राजा मनुष्य भूप भवति, मनुष्य राजा। आपने लाइन लिख दिया ना, लिखो लिखो लाइन, लिखो पहले पहले लाइन लिखो, मनुष्य भूप भवति को एज इट इज लिखो, जैसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर, संस्कृत नहीं हिंदी लिखो इसका, मनुष्य भूप भवति, जो जो वर्ड का मीनिंग है लिखो, उसके लिए लिख दिए, तो उसको ऐसे करके बोलता है कोई आदमी, मनुष्य राजा होता है, मतलब क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, मनुष्य राजा बनता है, क्या बोल रहा है, मनुष्य राजा बनता है, होता है मतलब बनता है, बनता है मनुष्य राजा, मनुष्य ही राजा बनता है कहने का, ठीक है ना, आदमी है ना राजा बनेगा, घोड़ा बन जाएगा राजा, सियार बनेगा, बाघ बन सकता है, जंगल का। तो हम भवसी किम, तुम राजा, तुम क्या हो, क्या राजा हो, तुम क्या राजा हो, क्या तुम राजा हो, नहीं भवती होता है, भवती भवती होता है, वह होता है, भवसी भूपम तू होता है, तू होता है, भवामी मैं होता हूँ। ठीक है, अरे भूप राजा होता है क्या, हाँ देखो कैसा हुआ, ये याद रख, क्या तुम राजा बनते हो, अब देख यहाँ तुम लिखिए, मीनिंग लिखिए, आप किसी नीचे लिखिए, राजा का क्या होगा, भूपम का राजा, भूपा होगा, भूपा मतलब राजा को, राजा को दुखी व्यक्ति हो गए, वो हटेगा ना, तो हम भूपा ये पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है, तो हम भूपा भवसी किम, तुम राजा होता है क्या, तुम राजा हो क्या, होते होते लिखा है कि नहीं, भवसी का मन मीनिंग लिखा है, होता है होता है, लिखा है पहले, तो यहाँ पे गलत मीनिंग कैसे लगा रहा, तो हम भूपम भवसी किम, तुम राजा होते हो क्या, क्या राजा होते हो, बोलो, जैसे कि हम बोलते हैं ना तुम मालिक होते हो क्या, बोलते हैं तुम मालिक हो क्या, तो हो सकता है कि तुम राजा हो, हाँ दोनों मीनिंग, तो टोन चेंज करोगे तो मीनिंग चेंज होगा, टोन चेंज करने से मीनिंग चेंज होगा, वो वाला चाहिए, लेकिन लिटरल मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, तुम राजा होते हो क्या, तुम राजा बनोगे, तुम राजा बन रहे हो क्या, कहने का मतलब ये, तुम राजा बन रहे हो क्या, ठीक है ना, लेकिन लिटरल मीनिंग में तुम राजा होते हो क्या, लेकिन अब क्या है, इतने साल होने के बाद लोगों को ओरिजिनल चीज़ तो आता नहीं है, टेढ़ा चीज़ बोलो तो समझ में आता है, सीधा चीज़ बोलो तो समझता नहीं है ना, सीधा चीज़ तुम राजा होते हो क्या, लेकिन एक्चुअल में हम लोग समझते हैं तुम राजा बनते हो,
ठीक है, तुम राजा बनते हो क्या? अहम अपि धूपा भवामी, मैं राजा बनूंगा, राजा मैं भी राजा, मैं भी। लिखो लिखो लिखो, कोई बोलेगा नहीं, पहले लिखेगा, पहले लिखो, पहले लिखो, बस अहम मैं अपि का भी धूपा का राजा भवामी का बन रहा हूँ, मैं भी राजा बन रहा हूँ, मैं ही राजा बन रहा हूँ। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पे बैठ के नैया बनता धीरे। मैं भी राजा बनूंगा, वो या मैं ही राजा बनूंगा, मैं ही नहीं, मैं मैं ही राजा बनूंगा, बिल्कुल। अभी मतलब भी ये वो मतलब भी अभी मतलब पेज पलट के देखिए, ए और अभी का मतलब क्या है, पहले देखिए है ना, ए का मतलब भी अहम एव भूप भवामी, मैं ही राजा बनता हूँ, ठीक है। अहम अपि भूप भवामी, मैं भी राजा बनता हूँ, ठीक है ना। अहम न भूप भवामी, मैं न अगर आगे आपके जगह तो मैं नहीं राजा बनता, ठीक है। तुम तत्र असि किम, तुम वहां है क्या, तुम वहाँ है क्या, हो क्या, हो क्या, हो क्या, लिटर लिटर, तुम वहाँ हो क्या, हो क्या, ठीक। अहम ना आगच्छामि, मैं नहीं आता हूँ, आता हूँ। किम सः तत्र न आगच्छति, क्या क्या वह वहाँ नहीं जाता है, आता है, आगच्छति, आता है, ठीक है, आगच्छति, आता है, आगच्छति, है ना। क्या वह वहाँ नहीं आता है। यदा स बालकः तत्र गच्छति तदा तुम तत्र आगच्छसि किम्, लिखिए, यदा जब जब वह लड़का वहाँ जाता है तब तब तुम तहाँ तहाँ मतलब वहाँ आगच्छति आते हो क्या। अब मीनिंग लिखिए, लिखिए मीनिंग लिखिए, लिख लिया, बहुत बड़ा है लेकिन मीनिंग तो आसान है ना, धीरे धीरे तो बड़ा होगा ना। लालू लालू का स्टोरी पढ़ा रहे थे पहले, अच्छा घुमा घुमा के लंबा करना है। यदा सह बालक तत्र गच्छति जब वो लड़का वहां जाता है तदा तब तुम वहां आते हो क्या, ठीक है, पढ़े आगे। इदानीं मूर्खस्य हस्तात् कंदुकः पतति, इदानीं अब मूर्ख का, मूर्ख का, मूर्ख के, मूर्ख के, डाके की, मूर्ख के हस्तात् हाथ 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 से कंदुकः गिरता है। अभी हाँ, मूर्ख के लिए मूर्ख नाम होना चाहिए, बहुवचन कैसे जाएगा, बहुवचन का नहीं, नहीं कभी कभी आदर के लिए भी के यूज करते हैं, मूर्ख का शुद्ध हिंदी हुआ, लेकिन आदर सूचक में आप के लगा सकते हैं, मूर्ख के लिए, मूर्ख को भी थोड़ा आदर देना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं इसको हिरण्यकश्यप को, उसको आप कह के बोलते हैं, है ना, असुर श्रेष्ठ कहते हैं, है ना, उसको भी आप करके यूज करते हैं, जब वो असुर के श्रेष्ठ को यूज करे तो हम तो मूर्ख को थोड़ा इज्जत तो दे सकते हैं। तुम तत्र पतसि किम, तुम है, तुम वहाँ तत्र का कहाँ मतलब वहाँ पतसि, पतसि का मतलब गिरना, किम का मतलब क्या, तुम वहाँ गिरते हो क्या, क्या अहम तत्र पतामि, मैं वहां गिरता हूं, गिरता हूं, मैं वहां गिरता हूं, मैं वहां गिरता हूं, मैं नहीं जाता तो उसका आधा ही लैंग्वेज की है, अहम तत्र पतामि, मैं वहां नहीं जाता, मैं वहां गिरता हूं, अहम न गमिष्यामि, वहां जाता हूं तो फिसल जाता हूं, वहां गिर जाता हूं, तत्र न गमिष्यामि, केवल समझिए लिखिए नहीं, अहम इदानीं पठामि, मैं अब पढ़ रहा हूँ, मैं अब पढ़ रहा हूँ,
सह सदा तत्र पश्यति वह हमेशा वहां देखता है वह तुम इदानीं किं खादसि तुम क्या खाते हो तुम क्या खाते हो अहम् न किम् अपि खादामि मैं कुछ नहीं खाता हूँ न का मतलब नहीं किम का मतलब क्या अभी उसमें जुड़ गए भी क्या भी मैं अभी का मतलब कुछ भी नहीं अभी का मतलब भी खानामी का मतलब खाता हूँ मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाता हूँ मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाता हूँ भूखे रहता हूँ मतलब मैं भूखे रहता हूँ ठीक है रामा यत्र गच्छति राम जहाँ यह से क्या बनेगा जहाँ यहाँ वहाँ जहाँ था सबसे कंफ्यूजन वही अगर मैं यहाँ वहाँ जहाँ था से किया तो संस्कृत आ गया यत्र का मतलब जहाँ जहाँ राम यत्र राम जहाँ जाता है तत्र वहाँ लक्ष्मण आते हैं राम जहाँ भी जाता है लक्ष्मण हमेशा वहाँ आते हैं ठीक है सह पुरुष भूपम पश्यति कौन पुरुष राजा है राजा पुरुष कौन पुरुष भूपम राजा को कौन पुरुष राजा को विभक्ति कौन सा लगा द्वितीय द्वितीय कौन सा विभक्ति लगा द्वितीय द्वितीय विभक्ति का मतलब है को कह पुरुष राजा को पश्यति देखता है कौन पुरुष राजा को देखता है कदा तुम तत्र गच्छसि कदा मतलब कब तुम तुम कब तुम वहां जाते हो रामा भूपा अस्ति राम राजा प्रथम लग गया देखो भूपम नहीं लगा यहाँ राम राजा को है ऐसा नहीं लगा हुआ कि राम राजा है ठीक है भूपा है ना प्रथम लगा ना ये करता है कृष्ण इदानीं दुर्योधनं वदति कृष्ण अभी दुर्योधन को बोलते हैं कृष्ण अभी दुर्योधन को बोलते हैं दुर्योधन कौन सा विभक्ति द्वितीय ठीक है इदानीं कृष्ण अभी अभी दुर्योधन को बोलते हैं धूर्ता इदानीं कुत्र अस्ति राम पश्यति देखते हैं नहीं है जहाँ राम देख रहे हैं वहाँ पे आदमी है नहीं है नहीं यदा तुम आगच्छसि जब तुम आते हो तब जाता हूँ जब तुम आते तब हम क्या करते हैं जाते हैं होते हैं ना ऐसे लोग बोलते हैं ना तुम किम अपि टूट गया तुम किम अपि न वदसि तुम कुछ भी नहीं बोलते तुम कुछ भी नहीं बोलते सर इदानीं किम अपि न पठति कुछ भी नहीं पढ़ता है कुछ भी नहीं पढ़ता वह यहाँ वह अब वह अभी वह यहाँ नहीं वह अभी इदानीं मतलब अभी वह अभी कुछ भी किम अपि न पढ़ती वह अभी कुछ भी नहीं पढ़ता है यथा कृष्ण पठति जहाँ कृष्ण पढ़ते हैं यथा का मतलब होता है जैसा ये हम बताए नहीं यथा मतलब जैसा तथा मतलब वैसा ठीक है ये दो शब्द आप लोग नोट कर लीजिए जैसा कृष्ण पढ़ते हैं वैसा राम भी पढ़ता है जैसा कृष्ण पढ़ता है वैसा ही राम भी पढ़ता है बस हो गए इति श्रील प्रभुपाद की जय संपूर्णम